लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने 10th में पढ़ा था, द लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ इन फिजिकल और केमिकल चेंज। इसको भी पढ़ा था और भी पढ़ा था, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज कम आउट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। अगर कोई रिएक्टेंट्स अपने रिएक्शन करते हैं अपने बीच में, जो प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट का जो मास होगा, टोटल मास होगा, वो रिएक्टेंट के मास के साथ बराबर होगा। आपने पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, यानी इट इज नॉट गेटिंग चेंज, परिवर्तन नहीं होता है। मास जो रहता है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वही रहता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दे आर न्यूट्रलाइजिंग इच अदर, क्या देता है NaCl प्लस H2O यानी कॉमन सॉल्ट पानी देता है, और क्या देता है 56.1 किलो जूल ऑफ हीट उसमें से जनरेट होता है। आप देखिए, ये इसको अच्छी तरह समझिए। तो हम देखते हैं, अगर इधर रिएक्टेंट्स दो है, ये रिएक्टेंट का मास कितना हम पहले डिटरमाइन करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिल के 40, यानी NaOH का मास हो गया 40, ठीक है। HCl का कितना हुआ, हाइड्रोजन का 1, Cl का 30.5, कुल कितना हो गया 36.5। इधर कितना हो गया NaCl, Na का 23 प्लस Cl का 35.5, कुल कितना हो गया 58.5, ठीक है। इधर कितना हो गया H2 मतलब 2H मीन्स 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इतना इधर कितना है 18, तो रिएक्टेंट्स का दोनों जोड़ देंगे 40 प्लस 36.5 कितना होगा 76.5। इधर जोड़ेंगे कितना होगा 58.5 प्लस 18 वो भी 76.5 होगा। तो यानी रिएक्टेंट्स का मास जितना था प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहा, तो दैट गवर्न्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो उसके बाद बच्चे और एक इंटरेस्टिंग चीज आया, प्लस 56.1 किलो जूल ऑफ हीट। अरे यार, ये हीट कहाँ से आया, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मास दोनों बराबर हो गया, जो मास हमने दिया था उतना ही मास निकल गया, तो हीट कहाँ से, एनर्जी कहाँ से मिल गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको याद रखिए, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। आप आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ते थे और उनका रिलेशन जो E=mc² फेमस रिलेशन फॉर आइंस्टाइन, यू नो दैट इज E=mc² एम मतलब एनर्जी, एम इज द मास, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। आप ये याद रखे हैं, ई जो है एनर्जी, मास हो गया एम हो गया मास, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो मास इज इक्वल टू E/c² कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, एम इज इक्वल टू E/c² ई मतलब एनर्जी। मान लीजिए हमारा एनर्जी कितना निकला है 56.1 किलो जूल, तो 56.1 किलो जूल डिवाइड बाई सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3×10⁸ मीटर, है ना, समझ रहे हैं ना आप, 3×10⁸ मीटर का स्क्वायर। आप समझिए बिलो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, 9×10⁻⁶ कितना जाएगा 16, और ऊपर कितना 56.1 ओनली। तो आप सोचिए कितना छोटा इसका वैल्यू हो जाएगा, हाउ मच, वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल, इतना छोटा हो जाएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा। यानी इसका ये जो मास यहाँ से निकला, ये 56.1 किलोजूल कहाँ से आया है, ना सम मास हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप समझे, ये जो रिएक्शन हो रहा है हमको सीना दिख रहा है 76.5 और ये 76.5 हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना कम मास वेस्ट हुआ है, यानी इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो हम बोल रहे हैं मास लॉस हुआ है या वेस्ट हुआ है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच हैज कम आउट आज 56.1 किलो जूल। आप समझ गए, यानी ये रिएक्शन में मास जो बराबर होता है, इधर का मास उधर का मास बराबर होता है, हम ये बिल्कुल कह नहीं सकते हैं, वो तो दिखता बराबर है लेकिन उसके अंदर से कुछ मास जरूर क्या हुआ है, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्योंकि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ताप शोषी और ताप उत्पादी प्रतिक्रिया आप जानते हैं। एंडोथर्मिक क्या करता है, इट इज ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, हीट एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इट गिव्स हीट एनर्जी, नो, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट दे रखा है, तो हीट दे रखा है तो हमने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया,
ये हीट कहाँ से निकला, सम मास हैज बीन लॉस्ट और हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो लॉस हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो मास कितना इट इज वेरी नेग्लिजिबल, व्हिच इज कैन नॉट मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल मीन्स, नो हम उसको वजन नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी माइनूटली यानी इनफाइनाइटली स्मॉल, नो। तो वैसे ही जब एंडोथर्मिक क्या होता था, जब उसको एनर्जी चाहिए वो बाहर से एनर्जी लाता होगा ना, फिर समझ रहे ना, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होता था। तो ये आप समझिए जो आइंस्टाइन ने अपने जगत का जो केमिस्ट्री या फिजिक्स को बदल डाला यहीं पर, तो यहाँ क्या होगा, जो लॉ था द टोटल मा ए टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट जो हम बोलते थे, या मास क्या नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हम बोलते थे, वो गलत हो गया, अभी वो मॉडिफाई होगा, क्या होगा, द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट और द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आप इसको याद रखिए, तभी हमने यहाँ लिखा है द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई भी सिस्टम आप लेंगे, केमिकल रिएक्शन होता है ना उसके, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम के अंदर जितना मास होगा जितना एनर्जी होगा वो दोनों को मिला के जितना होगा दैट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एनी चेंज। पहले क्या था, ओनली मास था, समझ रहे हैं आप, और एनर्जी आप पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाउ इट इज बी यूनाइटेड एंड इट इज टोल्ड अस द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल। आप समझ गए, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ साइंस, आप इसको अच्छी तरह दिमाग में घुसाइए, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है ना, कन्वर्ट होता रहता है इस दुनिया में, इस विश्व में हर वक्त मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हम ये जो रिएक्शन किए ये रिएक्शन में से कुछ मास लॉस हो के, यानी दैट मास लॉस्ट मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज कम आउट एज हीट इन दिस रिएक्शन। तो आप समझ गए अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अभी हम इसको, ये पहले वाला जो मास ओनली मास का चक्कर था दैट इज नाउ चेंज्ड, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको और समझ अच्छी तरह आ जाएगी ना। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड वेइंग 10.0 ग्राम, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज इन टू द एटमोस्फियर, द रेजिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वे 12.0 ग्राम, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बिल्कुल हम कंजर्वेशन ऑफ मास कब कहेंगे, जब रिएक्टेंट्स का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास उतना ही होगा, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट्स कौन से प्रोडक्ट कौन से हमको पहले समझना पड़ेगा, तो पूछ रहे हैं व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaCO3 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो हम लिखेंगे NaCO3 प्लस CH3COH, तो रिएक्शन को आना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट देंगे आप देखिए, NaCO3 प्लस CH3COH गिव्स CH3COONa प्लस H2 प्लस CO2, दिस रिएक्शन वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। तो ये बोल रहा है इधर कितना ऐड कर रखा है 4.2 ग्राम NaCO3 किसके साथ, CH3 कितना 10.0 ग्राम, तो हमने लिखा ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कितना कितना ग्राम CO2 निकला 2.2 ग्राम, तो CO2 के नीचे 2.2 ग्राम लिख दिया, और पूछ रहा है रेजिड्यू, रेजिड्यू मीन्स कौन था, दोनों मिलकर होगा और तो कुछ ही नहीं, तो दोनों सोडियम एसिटेट प्लस वाटर मिले कितना 12.0 ग्राम, तो अभी पूरा साफ हो गया ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 4.2 प्लस 10 इक्वल 14.2 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया 12.2.2 इक्वल 14.2, सो ये भी 14.2 है वो भी 14.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ गए। ओके, आप इसी तरह करिए और दो एक दो करिए अपने खुद करिए, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा ना, जब तक खुद नहीं करोगे कोई भी समझाए दुनिया का, लेबर विदाउट लेबर नथिंग कैन बी अचीव, मैं समझाऊँ कोई भी समझाए, खुद करिए और नॉलेज को अपना विजडम में कन्वर्ट कीजिए,
एंड बी एनरिच्ड. ओके थैंक यू.